हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी यूनिवर्स मध्य प्रदेश के नंबर वन चैनल फॉर डेली करंट अफेयर के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश वीकली करंट अफेयर यानी मध्य प्रदेश साप्ताहिक करंट अफेयर के बारे में, जिसमें हम चर्चा करेंगे 11 से 20 मई के बीच जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हुए उनके बारे में। दोस्तों, ये वीडियो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं यानी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इंपोर्टेंट है। वीडियो में टॉप 40 से ज्यादा क्वेश्चन लिए गए हैं। वीडियो को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में बनाया गया है, तो ये वीडियो आप एंजॉय करें। और अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल स्टडी यूनिवर्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलते हैं बिना समय गवाए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। पहला क्वेश्चन है, कोरोना रोगियों का मुफ्त उपचार करने वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों, ये हमारा है प्यारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कोरोना रोगियों का मुफ्त इलाज किया जाएगा, ऐसा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। बताइए मध्य प्रदेश की, तो चलिए आपको मैप में इसकी लोकेशन के बारे में बता देते हैं। दोस्तों, मैप में आप देख पा रहे होंगे, ये है मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश का मैप है। मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को राजधानी भोपाल है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं, जिन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। विधानसभा की 230, राज्यसभा की 11 है और लोकसभा की 29 सीटें हैं मध्य प्रदेश में। चलिए कुछ और इंपोर्टेंट बात करें अगर यहाँ के पुरस्कार की, तो कालिदास, शिखर, तानसेन, लता मंगेशकर, शरद जोशी, कुमार गंधर्व, ये महत्वपूर्ण पुरस्कार है मध्य प्रदेश के। अगर हम राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो बांधवगढ़, कान्हा किसली, माधव, पन्ना, पेंच, सतपुड़ा और वन विहार प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है और मध्य प्रदेश में देश के सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान मौजूद हैं। अगर बात करें जलप्रपात की, तो चचाई, बहुटी, धुआंधार, कपिलधारा और दुग्धधारा, ये प्रमुख जलप्रपात हैं मध्य प्रदेश के। वहीं बांध की बात की जाए तो बरगी, राजघाट, माणसागर, तवा, गांधी सागर और वारणा, ये प्रमुख बांध है मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों, यहाँ से आपके एग्जाम में इंपोर्टेंट बन सकता है एक आध क्वेश्चन, तो ये याद रखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कोविड-19 से लड़ने के लिए किसने 15 सूत्रीय सुझाव दिए हैं? तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है स्वास्थ्य मंत्रालय। स्वास्थ्य मंत्रालय यानी हेल्थ मिनिस्ट्री ने हाल ही में कोविड-19 से लड़ने के लिए 15 सूत्रीय सुझाव दिए हैं, जो हर व्यक्ति को मानने के लिए कहा गया है। दोस्तों, वर्तमान में हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वह डॉक्टर हर्षवर्धन है। अगर बात की जाए मानव संसाधन मंत्रालय, जिसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय किया गया है, उसके जो अध्यक्ष जो मंत्री हैं वह रमेश पोखरियाल निशंक हैं और नीति आयोग के अध्यक्ष, तो आप जानते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं हमारे प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 में अरब सागर में आए तूफान का नाम क्या है? तो इसका नाम है ताउते। ताउते तूफान अरब सागर में आया है 2021 में। 2021 का यह पहला तूफान है जो अरब सागर में आया है। दोस्तों, जो ताउते नाम है वह म्यांमार के द्वारा दिया गया है। भारत के पश्चिमी तट से टकराने वाला यानी गुजरात, महाराष्ट्र, केरल और कर्नाटक से टकराने वाला यह 2021 का पहला तूफान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ स्विस वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। दोस्तों, बात आई है नई दिल्ली की, तो आपको नई दिल्ली के बारे में कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट बता दें। यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं वह अनिल बैजल हैं और जो मुख्यमंत्री हैं वह अरविंद केजरीवाल हैं। चलिए मैप में आपको बता दें, ये लोकेशन है दिल्ली की। दिल्ली को राजधानी 1911 में बनाया गया था। उपराज्यपाल अनिल बैजल हैं, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं जो आप पार्टी से हैं। यहाँ का जो राष्ट्रीय पशु है नील गाय है। राजकीय पक्षी है वह गौरैया है। जो लोकसभा के सदस्यों की सीटों की संख्या है वह 7 है और राज्यसभा की कुल 3 सीटें हैं दिल्ली में। तो इतना आपको दिल्ली के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स के ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो IRDEA यानी इरडा को हाल ही में इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स के ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही ऑप्शन है थर्ड। बात आई है इरडा की, तो चलिए आपको इसके बारे में बता दें। इसकी स्थापना 1987 में की गई थी। जो हेडक्वार्टर वह नई दिल्ली में है। कौन सा राज्य ब्लैक फंगस का इलाज फ्री करेगा? तो दोस्तों, ये राज्य मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश हमारा प्यारा मध्य प्रदेश, यहाँ पर ब्लैक फंगस जो कोरोना के बाद एक दूसरी संक्रमण निकल के सामने आया है उसका इलाज भी फ्री करेगा। मध्य प्रदेश के बारे में ऊपर आपको बता चुका हूँ, एक बार आप यहाँ वीडियो को पॉज करके रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक फंगस से निपटने देश का पहला केंद्र कहाँ बनाया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है मध्य प्रदेश के भोपाल और जबलपुर। मध्य प्रदेश के भोपाल और जबलपुर में ब्लैक फंगस से निपटने के लिए देश का पहला केंद्र बनाया गया है। दोस्तों, बात आई है भोपाल की, तो चलिए आपको मैप में भोपाल के बारे में बता दें और कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट की चर्चा भी भोपाल की करेंगे। मैप में आप देख पा रहे होंगे, ये लोकेशन है भोपाल की। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। चलिए कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट के बारे में चर्चा करें, तो मध्य प्रदेश का झीलों और पहाड़ों पर बसा हुआ शहर है। सर्वाधिक जनघनत्व आपदा प्रबंधन संस्थान
वन विहार नेशनल पार्क भोपाल में ही स्थित है। 1960 में ब्रिटेन की सहायता से भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स की स्थापना की गई थी भोपाल में। देश का प्रथम मॉडल ब्लड बैंक बनाया गया है भोपाल में। विश्व का सबसे बड़ा ऊर्जा संयंत्र लगाया गया है भोपाल में। चार्ल्स कोरिया के द्वारा भारत भवन का निर्माण किया गया था भोपाल में। भारत की सबसे बड़ी मस्जिद जिसे हम ताजुल मस्जिद के नाम से जानते हैं, यह भी भोपाल में ही स्थित है। प्रदेश का पहला एनर्जी पार्क और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भी भोपाल में ही स्थित है। तो दोस्तों, ये कुछ इंपोर्टेंट चर्चा की हमने भोपाल के बारे में। दोस्तों, बात आई है जबलपुर की, तो आपको कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट जबलपुर के बारे में भी बता दें। मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी के नाम से जबलपुर को जाना जाता है। जबलपुर में रूपनाथ में अशोक का एक लघु शिलालेख है। राज्य का पहला नगर निगम जबलपुर को ही बनाया गया था। जबलपुर में ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है। रानी दुर्गावती की समाधि बरेला गांव जबलपुर में ही स्थित है। जबलपुर को आम जिला घोषित किया गया है। भारत का प्रथम पुनर्वास केंद्र भी जबलपुर में ही बनाया गया है। जबलपुर को प्रदेश का पहला रत्न परिष्कृत केंद्र भी दिया गया है। दोस्तों, मध्य प्रदेश का एकमात्र रेलवे जोन जो पश्चिम मध्य रेलवे के नाम से जाना जाता है, यह भी जबलपुर में ही स्थित है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट हमने जबलपुर के बारे में चर्चा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम के नए मुख्यमंत्री हाल ही में किसे चुना गया है? तो हेमंत बिस्वा असम के नए मुख्यमंत्री बने हैं। इससे पहले सर्बानंद सोनोवाल असम के मुख्यमंत्री थे। अब इनकी जगह 2021 में हेमंत बिस्वा असम के नए मुख्यमंत्री बने हैं। बात आइए असम की, तो आपको असम के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट और इसकी लोकेशन के बारे में बता। दोस्तों, ये देख पा रहे होंगे, ये असम है। असम की स्थापना 26 जनवरी 1950 में की गई थी। राजधानी दिसपुर में है। गवर्नर जगदीश मुखी हैं। मुख्यमंत्री दोस्तों यहाँ पर हेमंत बिस्वा बने हैं। राज्यसभा की 7 और लोकसभा की 14 सीटें हैं असम में। बात करते हैं यहाँ के डांस की, तो यहाँ का जो राजकीय डांस है वह बिहू है। मैमल यहाँ का वन हॉर्न राइनोस है। अगर बर्ड की बात की जाए तो व्हाइट विंग्ड बुक डक वुड डक यहाँ का बर्ड है। तो आपको इतना असम के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ममता बनर्जी किस राज्य की मुख्यमंत्री बनी है? तो ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल राज्य की मुख्यमंत्री बनी है। तो ये आपको इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखना है। दोस्तों, चलिए बात आई है पश्चिम बंगाल की, तो आपको इसके बारे में बता दें। मैप में आप लोकेशन देख पा रहे होंगे, ये लोकेशन है पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल की स्थापना 26 जनवरी 1950 में की गई थी। राजधानी कोलकाता है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ हैं। मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। दोस्तों आपको बता दें, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की तीसरी बार चुनी जाने वाली मुख्यमंत्री हैं। पहली बार 2011 में, दूसरी बार 2016 में और अब 2021 में ये मुख्यमंत्री बनी है पश्चिम बंगाल की। लोकसभा की 42 और राज्यसभा की कुल 16 सीटें हैं पश्चिम बंगाल में। अगर बात करें यहाँ का मोटो क्या है, तो सत्यमेव जयते पश्चिम बंगाल का मोटो है। मैमल की बात की जाए तो यहाँ पर फिशिंग कैट मैमल है। बर्ड की बात की जाए तो व्हाइट किंगफिशर यहाँ का बर्ड है, राजकीय बर्ड है। फिश की बात की जाए तो एलिस यहाँ की फिश है। फ्लावर की बात की जाए तो नाइट फ्लावरिंग जैस्मिन पश्चिम बंगाल का फ्लावर है। और ट्री की बात की जाए अगर, तो चैतन ट्री यहाँ का प्रमुख ट्री है या राजकीय ट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा गांव कोरोना मुक्त गांव अभियान कौन सा राज्य लाया है? तो दोस्तों यह है गुजरात के द्वारा लाया गया है। इस अभियान का नाम है मेरा गांव कोरोना मुक्त गांव। आपको बता दें, कोविड संक्रमण गांव में रोकने हेतु यह अभियान लाया गया है। मैप में आप लोकेशन देख पा रहे होंगे, ये गुजरात है। गुजरात की स्थापना 1 मई 1960 में की गई थी। राजधानी गांधीनगर है। गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी है। राज्यसभा की 11 और लोकसभा की 29 सीटें हैं। बात करें अगर यहाँ का राजकीय सॉन्ग क्या है, तो जय जय गरवी गुजरात यहाँ का राजकीय सॉन्ग है। मैमल की बात की जाए तो एशियाटिक लाइन यहाँ का मैमल है। फ्लावर की बात की जाए तो यहाँ का मैरीगोल्ड फ्लावर है। वर्ड की बात की जाए तो ग्रेटर फ्लेमिंगो यहाँ का वर्ड है। फ्रूट की बात की जाए तो मैंगो। और ट्री की बात की जाए तो बनियान ट्री यहाँ का राजकीय ट्री है। तो इतना आपको गुजरात के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पंजाब मैं एक नया जिला बनाया गया है, उसका नाम क्या है? तो मलेरकोटला यहाँ पर नया जिला बनाया गया है पंजाब में। दोस्तों आपको बता दें, यह पंजाब का 23वां जिला होगा। पहले ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की बैठक की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो दोस्तों, ब्रिक्स के जितने भी सम्मेलन होंगे 2021 में, ये सारे सम्मेलन हमारे प्यारे भारत में आयोजित किए जाएंगे। तो कोई भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको लगता है ब्रिक्स से रिलेटेड, तो आपको याद रखना है कि भारत में इसके सारे सम्मेलन होंगे 2021 में। फोर्ब्स 2021 की सबसे कमाऊ खिलाड़ी दुनिया के कौन बने हैं?
तो दोस्तों ये हैं कोनोर मैक्रेगोर, ये दुनिया के 2021 के सबसे ज्यादा कमाऊ खिलाड़ी बने हैं। आपको बता दें इनकी जो कुल एक साल की आय है वह 1,319 करोड़ रुपए है। वहीं दूसरे नंबर पर मैसी हैं, इनकी जो कुल आय है वह 950 करोड़ रुपए है। अगर बात की जाए टॉप 10 खिलाड़ियों की तो उनके द्वारा जो कुल संपत्ति कमाई गई है वह 1.05 बिलियन डॉलर है। तो आपको इस लिस्ट के बारे में याद रखना है, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। थिंक टैंक IEA के अनुसार सबसे खुशहाल देश दुनिया का कौन सा है? तो दोस्तों सबसे खुशहाल देश दुनिया का नॉर्वे बना है। ये थिंक टैंक IEA की रिपोर्ट है, इसके द्वारा नॉर्वे को दुनिया का सबसे खुशहाल देश बताया गया है। चीन द्वारा मंगल ग्रह पर उतारे गए रोवर का नाम क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर जो मंगल ग्रह पर जो रोवर उतारा गया है उसका नाम है जूरोंग, यह चीन के द्वारा उतारा गया है। दोस्तों आपको बता दें जूरोंग नाम का जो रोवर है वह दक्षिणी भाग यूटेरिया पर उतरा है मंगल ग्रह के। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। 2021 में मिस यूनिवर्स का कौन सा संस्करण का आयोजन किया गया है? तो दोस्तों मिस यूनिवर्स के 2021 में 69वीं संस्करण का आयोजन यानी 69th एडिशन का आयोजन किया गया है। आपको बता दें जो 2021 में मिस यूनिवर्स बनी है उनका नाम है आंद्रिया मेजा, जो मेक्सिको से हैं, और इंडिया की जो एडिल कैस्टिलोनो थी यह फोर्थ पोजीशन पर रही हैं मिस यूनिवर्स कंपटीशन में। मध्य प्रदेश की पहली खिलाड़ी जिसे पैरा ओलंपिक का कोटा प्राप्त हुआ है तो ये है प्राची यादव। प्राची यादव मध्य प्रदेश की पहली खिलाड़ी बनी है जिन्हें पैरा ओलंपिक में कोटा प्राप्त हुआ है। हाल ही में हॉल ऑफ फेम में शामिल खिलाड़ी कौन बने हैं? तो दोस्तों कोवे ब्रायंट हाल ही में हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले खिलाड़ी बने हैं। आपको बता दें ये एक बास्केटबॉल के बहुत बड़े खिलाड़ी थे जिनका हेलीकॉप्टर से मृत्यु हो गई थी। 5 बार NBA के चैंपियन भी रहे हैं कोवे ब्रायंट, जिन्हें हाल ही में हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय अजय अवार्ड हाल ही में किसे दिया गया है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय अजय अवार्ड हाल ही में हमारे शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी को दिया गया है। दोस्तों ये वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री हैं। दोस्तों कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट की अगर हम बात करें तो जो मानव संसाधन मंत्रालय है उसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय किया गया है। इटालियन ओपन हाल ही में किसने जीता है? तो इटालियन ओपन को हाल ही में राफेल नडाल ने जीता है। दोस्तों इटालियन जो ओपन है इनका यह 10वां खिताब है। फरजाद वी गैस फील्ड किस देश में स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन है ईरान। ईरान में फरजाद वी गैस फील्ड स्थित है। दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। भारत द्वारा 2009 में 19 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस की खोज की गई थी ईरान में, जिसका कॉन्ट्रैक्ट हाल ही में ईरान ने भारत से छीन लिया है। तो ये फील्ड आपको याद रखना है, इसका नाम है फरजाद वी और ये ईरान में स्थित है। वैद्य आपके द्वार योजना कौन सा मंत्रालय लेकर आया है? तो दोस्तों वैद्य आपके द्वार योजना नामक जो अभियान है या योजना है यह आयुष मंत्रालय लेकर आया है। आपको ये योजना के बारे में याद रखना है। यूएसए व्हाइट हाउस का हाल ही में किसे वरिष्ठ सलाहकार बनाया गया है? तो नीरा टंडन को हाल ही में यूएसए के द्वारा व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। बासबश्री पुरस्कार 2021 हाल ही में किसे दिया गया है? तो के कस्तूरी रंगन को हाल ही में 2021 में बासबश्री पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों इनके बारे में आपको याद रखना है, इन्होंने जो वर्तमान शिक्षा नीति आई है 2021-2021 में उसको बनाया था के कस्तूरी रंगन ने। विश्व डेंगू दिवस हाल ही में मनाया गया, यह कब मनाया जाता है? तो दोस्तों प्रत्येक 16 मई को विश्व डेंगू दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिट कोविड ऐप हाल ही में किस सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो बिहार सरकार के द्वारा हाल ही में हिट कोविड ऐप लॉन्च किया गया है। दोस्तों कोविड-19 के रोगियों की निगरानी और ट्रैकिंग के लिए यह हिट कोविड नामक ऐप लॉन्च किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। भारतीय महिला टीम जो क्रिकेट टीम है उसके बल्लेबाजी कोच हाल ही में किसे चुना गया है? तो शिव सुंदर दास को भारतीय महिला टीम के बल्लेबाजी कोच के रूप में चुना गया है। वहीं अगर बात करें रमेश पवार को तो रमेश पवार को ओवरऑल भारतीय महिला क्रिकेट टीम का कोच चुना गया है। सीएम कोविड जनकल्याण योजना
किस राज्य के द्वारा या स्टेट के द्वारा लाई गई है? तो ये योजना मध्य प्रदेश के द्वारा लाई गई है, जिसका सही ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, मध्य प्रदेश। दोस्तों इस योजना के कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट के बारे में, जो लाभ प्राप्त कर सकते हैं उनके बारे में बता दें, तो इसका मुख्य फोकस पेंशन शिक्षा राशन पर किया गया है, जिसका नाम है जन कल्याण योजना। इसके जो लाभ कौन कौन व्यक्ति ले सकते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो अनाथ जो बच्चे हुए हैं कोविड-19 में, उनको 21 साल होने तक 5,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। कक्षा 1 से PhD तक की फ्री शिक्षा दी जाएगी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। 10 माह तक हर महीने 15,000 रुपये प्रति दिए जाएंगे जो अनाथ हुए हैं उन्हें। दोस्तों अगर बात की जाए जो इसके द्वारा हानि हुई है, उनको कौन कौन व्यक्ति हैं जो हानि मतलब लाभ नहीं उठा सकते उनके बारे में, तो परिवार के पहले सरकारी पेंशन मिल रही हो वो व्यक्ति इसका लाभ नहीं उठा सकते हैं। CM कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना के तहत जो लाभ मिल रहा है वो इस जन कल्याण योजना के अंतर्गत नहीं लाभ उठा पाएंगे। आप इस पर जो जन कल्याण योजना, इसका आवेदन कैसे कर सकते हैं, तो आपको बता दें जो गांव वाले हैं वह जनपद पंचायत CEO के पास जाकर जो जन कल्याण योजना है इसका लाभ उठा सकते हैं। वहीं अगर शहर वालों की बात की जाए तो शहर वाले जो भी लाभार्थी हैं वह नगर निगम आयुक्त या नगर पालिका अथवा नगर परिषद CMO के पास जाकर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। आंध्र प्रदेश ने कोविड-19 से अनाथ को कितने रुपए की घोषणा की है? तो दोस्तों कोविड-19 से आंध्र प्रदेश में जो भी अनाथ हुए हैं उन्हें 10 लाख रुपए देने की घोषणा की है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। बात आइए आंध्र प्रदेश की, मैप में आप देख पा रहे होंगे ये लोकेशन है आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश की जो राजधानी वह हैदराबाद है और जो प्रस्तावित राजधानी वह अमरावती है। यहाँ के जो राज्यपाल है वह ESL नरसिम्हा है। चंद्रबाबू नायडू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। 1 नवंबर 1953 को इसकी स्थापना की गई थी। राज्यसभा की 11 और लोकसभा की 25 सीटें हैं आंध्र प्रदेश में। अगर बात की जाए यहाँ का सॉन्ग क्या है, तो माँ तेलुगु तल्लिकी यहाँ का जो सॉन्ग है। अगर बात की जाए डांस की, तो कुचिपुड़ी यहाँ का डांस है। मैमल की बात की जाए तो ब्लैक बक यहाँ का मैमल है और वर्ल्ड पैरेट है। फिश की बात की जाए तो मड फिश यहाँ की फिश है। फ्लावर की तो जासमिन यहाँ का फ्लावर है। फ्रूट की बात की जाए तो मैंगो यहाँ का फ्रूट है और ट्री नीम का पेड़ आंध्र प्रदेश का राजकीय ट्री है। गूगल क्लाउड ने हाल ही में सैटेलाइट इंटरनेट हेतु किसके साथ समझौता किया है? तो दोस्तों गूगल क्लाउड ने हाल ही में SpaceX के साथ सैटेलाइट इंटरनेट हेतु समझौता किया है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा SpaceX। सीमोर्ग नामक सुपर कंप्यूटर किसने बनाया है? तो दोस्तों ईरान के द्वारा सीमोर्ग नामक सुपर कंप्यूटर बनाया गया है 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक 17 से 23 मई के बीच सड़क सुरक्षा सप्ताह UN के द्वारा मनाया जाता है। दोस्तों यह सेकंड सड़क सुरक्षा सप्ताह है, पहला 2007 में मनाया गया था। इस बार जो इसकी थीम रखी गई है वह स्ट्रीट्स फॉर लाइफ, ये थीम रखी गई है सड़क सुरक्षा सप्ताह की। जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन भारत में कौन सी कंपनी प्रोडक्शन यानी कौन सी कंपनी बना रही है? तो इसका सही ऑप्शन है बायोलॉजिकल ई लैब। यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया है, आपको बता दूं बायोलॉजिकल ई लैब जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन भारत में प्रोड्यूस कर रही है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की संभावित लिस्ट में मध्य प्रदेश की कितनी साइट जोड़ी गई हैं? तो दोस्तों इसमें मध्य प्रदेश की 2 साइट जोड़ी गई हैं, इनका नाम भी मैं आपको बताऊंगा। तो आपको याद रखना है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में मध्य प्रदेश की टोटल 2 साइट जोड़ी गई हैं और इनका नाम है भेड़ाघाट और सतपुड़ा। अगर बात की जाए पूरे भारत से कितनी साइट जोड़ी गई हैं, तो टोटल 6 संभावित लिस्ट में साइटें जोड़ी गई हैं। पहली तो हो गई भेड़ाघाट, दूसरी सतपुड़ा, तीसरी गंगा घाट वाराणसी, चौथी हो गई कांचीपुरम मंदिर तमिलनाडु, पांचवी है हीरे बेंकल महापाषाण स्थल और छठी है मराठा सैन्य वास्तुकला। ये 6 साइट भारत की ओर से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की संभावित लिस्ट में जोड़ी गई है। दोस्तों वर्तमान में संस्कृति और पर्यटन मंत्री हैं हमारे प्रहलाद पटेल, जो दमोह लोकसभा क्षेत्र से आते हैं।
तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने बात की 11 से 20 मई 2021 के बीच जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुए हैं उनके बारे में। वीडियो आप लाइक जरूर कीजिए, आपके सपोर्ट के बिना ये चैनल आगे नहीं बढ़ेगा। दोस्तों मैं करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो लेकर आता हूँ, आप देखिए, इससे मैं भी पढ़ता हूँ इस करंट अफेयर से, आप भी इसी से पढ़िए। दोस्तों मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि इससे बाहर आपके किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, और मध्य प्रदेश से रिलेटेड तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। दोस्तों ये वीडियो शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल स्टडी यूनिवर्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको कोई क्वेरी है तो इस आईडी पर आप मेल कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार, हैव अ नाइस डे।